फ्रेंड्स, आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर ये मानवीय सभ्यता के लिए डायवर्सिटी और यूनिटी दोनों के स्रोत रहे हैं। हम दुनिया के सबसे विविधतापूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन साथ ही वहीं विविधता में हमें आपस में जोड़ती है। जब मैं अभी किलों की बात कर रहा था, मैं एक दो साल पहले कार्यक्रम के लिए बुंदेलखंड गया था, तो झांसी के किले पर एक कार्यक्रम था। फिर मैंने वहां सरकार से बातचीत की कि हमने बुंदेलखंड को फॉर टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहिए, और बाद में उन्होंने सारा रिसर्च किया, उसका जो ग्रंथ तैयार हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे, अकेले बुंदेलखंड में इतना रिच हेरिटेज सिर्फ फोर्ट्स का है, सिर्फ झांसी का नहीं, अनेक जगह पे और पास पास में ही सारे, यानी इतना सामर्थ्यवान है। मैं तो चाहूँगा कभी हमारे जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो वहाँ जाकर के उसको आर्ट वर्क करने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा जा सकता है, तभी जाकर के दुनिया को पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ निर्माण किया है। क्या आपने सोचा है कि भारत की इस डाइवर्सिटी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर तभी फलते फूलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती है, अपने ढंग से काम करने की आजादी मिलती है। डिबेट और डायलॉग की इस परंपरा से डायवर्सिटी अपने आप पनपती है। इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती है तो हम हर तरह की विविधता का स्वागत भी करते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 के आयोजन के जरिए हमने अपनी इस विविधता को दुनिया के सामने शोकेस किया है।